एंड हैप्पी साउंड। सो गैस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस और इन लॉज का क्या फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपका उन लोगों पर ओके और वट वुड बी योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस एंड इन लॉज ओके सो आपको आपका ग्रुप चूज करना है पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू ओके जो बर्थ डेट्स इसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं उनके लिए बर्थ डेट्स मैंने रखी हैं और जो इन इंटूटिवली ग्रुप चूज करते हैं आपके लिए दो कार्ड्स हैं ओके सो चूज योर और अकॉर्डिंगली आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग आपके टाइम टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी नोबाइल Uh, number one. He loves file number one. है लव भगवान जो गाइस uh, आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन पहले हम फ्यूचर स्पाउस पे निकालते हैं ठीक है उसके बाद इन लॉज की बारी आएगी सो so, आपको रीडिंग के एंड तक बने रहना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली टू पार्ट्स में रीडिंग डिवाइडेड होगी ओके okay? पहले मैं आपके स्पाउस का चेक कर लूँ फ्यूचर स्पाउस का विद वाइफ और हजबेंड ठीक है सो लेट सी वट्स कम इन ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन दैम यूज यू आर गेटिंग द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ काप्स क्या होगा फर्स्ट इम्प्रेशन आपका उन पर ओके पेज ऑफ पेज ऑफ कप्स यहाँ पर गाइज अगर आप देखें तो दो कार्ड्स कप्स की तरफ से आए हैं और एक आया है पेंटिकल्स की तरफ से ओके सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई नी टू सी कि टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ मे भी आप जब लोग जब पहली तो फंस से मिले ना आपको ये इंसान पहली बार ही देखे तो आई थिंक उनको इतना ज़्यादा पता ना हो इस चीज़ के बारे में कि आप दोनों की शादी हो जाएगी या फिर लाइक यू आर द वन ठीक है बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग मी समथिंग लाइक डबल माइंडेड लाइक इनको समझ नहीं आएगी कि मतलब उनको नहीं पता होगा ज़ाहिर है पहली मीटिंग में किसी को भी नहीं पता होता क्या क्या कुछ हो सकता है आगे ठीक है तो यहाँ पर ये यह चीज़ है कि आपके पर्सन की यहाँ पर कोई डबल माइंडेड सिचुएशन है या फिर वो टू मच ऑक्यूपाइड इन अदर थिंग्स ठीक है कुछ बिजी जगह पर हो सकता है आप लोगों को मिले या कोई जैसे कोई मार्केट होती है या कोई जहाँ पे यू ना ऑफिस वग़ैरह कोई कोई मॉल कोई कुछ, 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 कुछ बिज़ी प्लेस है कोई रशी प्लेस है तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि टू ऑफ पेंटी के साथ ये पर्सन का इतना ध्यान मतलब उस एंगल से आपको नहीं इसने देखा होगा पहली बारी ठीक है बट विद एज ऑफ कप्स इन द पेज ऑफ कप्स ये चीज़ है कि लेकिन मतलब उनको ये तो नहीं पता कि मेरी पत्नी होने वाली आपत्ति है लेकिन एक चीज़ है इमोशंस ठीक है क्योंकि डेस्टिनी है क्योंकि कनेक्शन है क्योंकि शादी होनी है ठीक है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स लाइक दिस पर्सन विल बी फॉलिंग फॉर यू इन अ फर्स्ट साइट ठीक है मतलब जैसे कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आ जाती ठीक है आपको पता है कि आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते वो अलहदा बात है लेकिन कुछ चीज़ें इस पहली नज़र में पसंद आ जाती है ये पेज ऑफ कप्स की अगर कार्ड आप देखो ना दिस uh, कार्ड इज़ टू मच अबाउट अट्रैक्शन इस्पेशली लुक्स लुक्स ठीक है मे बी आपका कोई हेयर स्टाइल इस तरह का हो उस टाइम या आपके कोई आई कैची uh, कलर कपड़े हों ठीक है या कोई एम्बेलिशमेंट्स या इस तरह के जो भी कोई कुछ कुछ अट्रैक्टिव होगा आपके अंदर या हो सकता है हमने कोई डार्क कलर पहना हो जैसे कोई शॉकिंग पिंक रेड या ऑरेंज कोई ऐसा कि उनकी ना हो एक अटेंशन एक तरफ से गई हो आपकी तरफ ठीक है ऐसे कव्स मतलब आपको देखते ही उनके मन में एक चीज़ पैदा होगी एक ऐसी चीज़ पैदा होगी उन्हें एक जिसे बोलते हैं ना कि ख्वाहिश पैदा होना डिज़ायर पैदा होना ठीक है बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ कोर्स तो एक मोहब्बत भरी फीलिंग्स तो मुझे तो दिख रही हैं ठीक है तो हाँ ये यह इंसान रुक करके आपको ज़रूर देखेगा एंड पेज ऑफ़ सोर्स एंड पेज ऑफ़ पेंटिकल्स पेज का कार्ड आया है ओबियसली ये इंसान आपको चेज़ करेगा ऑबियसली आपको बेशक चाहे सोशल मीडिया पर चेज़ करे यहाँ पर आपको वैसे आपका यू you नो know, पता लगाने की कोशिश करे बराबर लेकिन ये इंसान आपको डेफिनेटली चेज करेगा बिकॉज दो पेज है बल्कि तीसरा भी पेज है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों तो एक दूसरे से मिले ये पहली बार ही आपके पिक्चर इन्होंने देखी हो ठीक है और दूसरी बात मुझे दिख रही है कि द थिंग इज़ कि ये पर्सन काफ़ी क्यूरियस माइंड सेट का है और क्योंकि पेजेस का इतना ज़्यादा आना ऑब्वियसली इनके माइंड सेट के बारे में बताता है कि ये इंसान इसको जो चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में ये इंसान उस चीज़ को पा कर रहता है ठीक है इस इंसान को कोई वो नहीं है कि आ, मुझे लोग क्या कहेंगे आ, जमाना क्या कहेगा समाज क्या कहेगा नहीं ये इंसान ये इस चीज़ पर है कि अभी मुझे अगर ये लड़की पसंद आई है अगर मुझे ये लड़का पसंद आया है तो मुझे ये चाहिए है ठीक है ना तो द थिंग इज़ कि इंसान खुद कोशिश करने वाला है ये इंसान खुद स्ट्रगल करने वाला है ये इंसान खुद अपना यू नो जा के अपना जो है किस्मत जिसे कहते हैं बनाना या यू नो वावर जो भी ये चाहता है पर्सन उसको पाना अपनी ख्वाहिश पूरी करना ऐसा इंसान सेल्फ मेड है और लाइक किसी पर डिपेंड नहीं करता कि जी अम, आ, इनकी मॉम से यानी कि आपके सास से मिलेगी अगर परमिशन तो ही ये आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे नहीं ठीक है सेल्फ सफिशेंट पर्सन है अच्छा आगे देखते हैं कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन दैम आई न्यू इट हैंग मैन ऑफ दाइव Your first impression magician and two of swords. Well यह है पाल नंबर number कि आपके पर्सन की हंग hangman, like literally, ये इंसान मैंने आपको पहले भी पता था रुक के आपको देखेगा ठीक है ना मतलब उनका माइंड ठहर जाएगा आपके ऊपर उसका माइंड ये विल भी लाइक के हु इज शी ये कौन है ठीक है तो दूसरी बात है कि मडिशन एनर्जी ओबियसली आपकी इंप्रेशन इन पर बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ने वाली है पहली इम्प्रेशन ठीक है ओबियसली ख़ूबसूरत से खूबसूरत सुंदर से सुंदर दुनिया है लेकिन uh, जहाँ डेस्टिनी होती है वहाँ आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया का नज़ारा नज़र आ रहा होता है ठीक है ना तो मडिशियन एनर्जी के साथ इसकी इसकी माइंड में ऐसी चीज़ होगी कि ये लड़की दुनिया की सबसे सुंदर है या यू you नो know, इससे खूबसूरत लड़की मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी या लड़का है तो इससे ज़्यादा हैंडसम इससे ज़्यादा पर्सनैलिटी वाला इससे ज़्यादा आ, 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 अच्छी अच्छा इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा ठीक है लेकिन अगैन यहाँ पर टू ऑफ शोट्स की एनर्जी है टू ऑफ पेंटिकल्स भी था टू ऑफ सोट्स अगैन आया है अगैन ये पर्सन कभी भी, भी श्योर नहीं होगा कि आप दोनों एक हो सकते हैं अच्छा आप जो भी हो मे बी फाइ डिफरेंसेस हो या लुक्स के या um, हम हो सकता है आपका कोई नाफ़ी उन्हीं आपके साथ हो उस वक़्त उस समय तो कोई बच्चा हो सकता है आपने उठाया हुआ गोद में किसी का तो ये भी हो सकता है वो ये समझे कि पता नहीं शायद ये मैरिड है तो ये भी कुछ हो सकता है क्योंकि फाइव है मिस अंडरस्टैंडिंग इस टाइप की टेम्परेली हो सकती है ठीक है सो या योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर स्पाउस थ्री ऑफ पेंटिकल्स सेवन ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर ऑफ सोर्ड्स गाज़ अब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्यों आई थिंक और ये पर्सन भी काफ़ी बिजी है यू तो नो वे ना आप है ना ये है ठीक है तो पॉसिबिलिटी है ये पर्सन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है ऐसे कोई वर्क रिलेटेड थ्रू हो सकता है आप लोग मिलें लेकिन इस इंसान को ना ये काफ़ी माइंड में चीज़ होगी कि ये जो लड़की है या ये जो लड़का है ये इतना भाव नहीं देने वाला या मुझे इसको पाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी ठीक है बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक स्ट्रगल्स इज़ लाइक डिफेंस सेल्फ डिफेंस अपने अप, ये आपको इम्प्रेस कैसे करता है अब या आपके दिल में अपनी जगह कैसे बनाता है ठीक है दैट इज़ ऑल अबाउट लेकिन ये पर्सन बहुत कोशिश और स्ट्रगल ज़रूर करेगा आपको पाने के लिए दूसरी चीज़ मैं दिख रही हूँ द फोर ऑफ फोर्ड एनर्जी विच इज़ लाइक कभी 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 तो इसको लगेगा कि भाई पौन से बाहर आई है अपने औकात से बाहर आई है लड़की ठीक है तो दिस इज़ कहना थिंक ये कुछ मिक्सड इनकी है लेकिन ये पर्सन इम्प्रेस बहुत है आपकी पर्सनैलिटी से मे बी मे बी यू आर लाइक वेरी मेच्योर वमन जो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ आप काफ़ी सेल्फ सफिशेंट हैं उनको ऐसे लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है ठीक है ना अगेन सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडस मे बी Maybe आप किसी चैरिटी की जगह पर इनसे मिले या आ, आप पेट्स लवर है ठीक है या आप बहुत काइंड हार्टेड हो ये चीज़ इनको ऐसे फील होगी कि एज़ इफ बहुत ही लवली और काइंड हार्टेड ये वुमेन है दूसरी कहना है गिव योर अटेंशन अटेंशन तो इसकी इंसान की आपके ऊपर ही रहेगी ठीक है बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है मुझे ऐसे दिख रहा है कि आई डोंट थिंक सो कि आप ज़्यादा इनको अटेंशन दोगे लेकिन ज़्यादा अटेंशन आपके स्पाउस की तरफ से आपकी ओर आ रही है ठीक है तो उसके मन में होगा कि नहीं मुझे मुझे ही कुछ करना है बिकॉज़ आप तो कुछ भी नहीं करोगे कोई स्टेप आगे नहीं लोगे ठीक है ना गेट टू नो एक अदर तो इंसान ऑब्वियसली जानेगा आपसे हो सकता है कि पूछें आपके बारे में आपके क्या करती हैं आप आ, आ, क्या पढ़ती हो किधर जाती हो इस टाइप की हो सकता है कुछ बातें प्रोसीड uh, करने के लिए करें ठीक है ना फॉर गिवनेस सो आपका एक काइंड टेम्परामेंट इनको काफ़ी इम्प्रेस कर सकता है आपका लविंग कैरिंग uh, इस टाइप की जो आपकी साइड है ना इस इंसान को ये जो थोड़ा आपको जानेगा ना तो यू वुड गेट टू नो कि आप बहुत काइंड हो बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट जेंटलनेस दिस इज़ जेंटल बिहेवियर दिस इज़ लाव दिस इज़ लाइक काइंडनेस ओके सो so, यहाँ पर जो है आपके फ्यूचर स्पाउस का जो है था आ, फर्स्ट इंप्रेशन आगे हम आपके इन लॉस के बारे में देखते हैं लेट्स सी इज कमिंग अप हम लेट्सी चेंज करते हैं यहाँ और देखते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आ, आपके इन लॉस पर क्या पढ़ने वाला है लेट्स सी इन लॉस की क्या एनर्जी निकलती है आपका फर्स्ट इंप्रेशन पर क्या पड़ेगा Queen of Swords, Two of Wands. Okay, in Lords, पे आपका first impression क्या पड़ने वाला है? Nine of Swords. <laughs> Five of... Five of Swords and King of Swords. Well, energy help group number one. क्या आपके इन लॉज़ की जो कारण वाह मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे फ़ाप की ऐसी जगह शादी हो रही है कि आप लोग उनको बिल्कुल नहीं जानते हैं वो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं ठीक है कोई फैमिली फ्रेंड्स भी नहीं है आई थिंक फैमिलीज़ तो बिल्कुल ही एक दूसरे को नहीं जानती और बिल्कुल ही आउट ऑफ यू नो रीच शादी है बिकॉज़ यहाँ पर बिल्कुल ही अनसर्टिनिटी है उन लोगों का ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा बल्कि काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ है ठीक है तो मुझे ऐसे दिख रहा है बिकॉज़ यहाँ पे आपके मदर इन लॉ और आपके जो फादर इन लॉ है उनकी भी एनर्जी है ओके ग्रुप नंबर टू सॉरी ग्रुप नंबर वन मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके आपके जो इन लॉज हैं वो डबल माइंडेड रहेंगे कि पता नहीं आपका क्या व्यवहार रहेगा उनके साथ क्या आपकी सिचुएशन रहेगी बिकॉज नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी है आई थिंक उनका पास्ट एक्सपीरियंस कोई बुरा है बहू के मामले में या यू नो you know, दामाद के बारे में ठीक है तो हो सकता है उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है उनकी भी इतनी ग़लती नहीं है ठीक है तो ओबियसली ओपिनियंस तो आपके एक्सपीरियंस पर ही आप अपने जो है बनाते हो पास्ट एक्सपीरियंस पर तो लेट्स सी वट्स कमिंग अप नेक्स्ट उनका माइंड में जो है इमेज एक स्पेसिफिक बहू का कैसा आप आपके साथ कैसा रहेगा क्या आप उसको चेंज कर पाओगे या नहीं ऑफ एस कप्स वर्ल्ड एंड द हर्मेट वेल एनर्जी है पायल नंबर वन के आई थिंक आपसे मिलने के बाद या आपको अपने घर अपने घर लाने के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगा बिकॉज़ ये बिल्कुल ही जो पहला स्प्रेड था या मतलब जो उनका पहला एक्सपीरियंस या उनका माइंड में जो है वो बिल्कुल ही यूसी के पता नहीं इनकी कोई बड़ी बहू ऐसे थी या कोई और इस तरह की सिचुएशन थी लेकिन ये लोग बहुत ही डरे हुए हैं बहू को लेकर मतलब एज अ डॉटर इन्वॉल्व लेकिन आपकी एनर्जी बद चेंज है उसी फाइव ऑफ पेंट फोर ऑफ़ पेंटिकल्स एम एस ऑफ कब्ज़ का तो आपको प्यार मिलेगा बिकॉज आपकी आदतें ऐसी हैं हर मोड है आई थिंक आप वहाँ जा कर कुछ लड़कियाँ होती हैं ना कि ससुराल में जा कर पहले यू नो सारा हाइपर एक्टिव हो जाना और हर चीज़ में मुदाखलत हर चीज़ में इंटरफेरेंस और फिर वो आपके ससुराल वाले कहते हैं और ये क्या है तो अभी जुम्म जो जु है वो चार दिन हुआ नहीं इसको आयोग लाइक ये हर चीज़ पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रही है ठीक है हर मोड है आप वक्त के साथ साथ एडजस्ट होगे आप हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करोगे आपको बस जो चीज़ आपके हवाले की गई है या आपकी जो जिम्मेदारी है यू आर ओनली इन टू अप टू दैट ठीक है तो ये चीज़ उनको पसंद आएगी कि के? मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं मतलब ओवर नहीं होती है इस तरह की एनर्जी है वर्ल्ड एनर्जी के साथ वन आई थिंक आपके इन लॉज आप के साथ डील करने के बाद उनकी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही चेंज हो जानी है और वर्ल्ड एनर्जी मतलब उनको ऐसे लगेगा कि लाइक ये दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की है कि लाइक जो अपने ससुराल के साथ इतना अच्छा बिहेव करती है लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग हेयर पायल नंबर वन कि ये जो एनर्जी है इनकी अच्छे होने की जो ससुराल बनोगी ये इनकी वजह से नहीं है ठीक है ये आपकी वजह से है आप अच्छे हो तो वो भी अच्छे हैं और अगर आप अच्छे नहीं हो तो कोई भी अच्छा नहीं है ठीक है बिकॉज़ इनकी पास लड़ाइयाँ चलती रही हैं अपने बहू के साथ और इतने यू नो बहुओं के साथ प्रीवियस इनकी लड़ाइयाँ चलती रही हैं इनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहे हैं सारी सारी रात भी लड़ाइयाँ होती रही हैं और क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन जो है वो सोर्ट्स के हैं तो काफ़ी कहा सुनी भी होती रही है लेकिन यहाँ के जो इन लॉज हैं मतलब इस्पेली मदर फादर वो काफ़ी मतलब रैशनल पीपल है ठीक है एज में काफ़ी ज़्यादा होंगे हाँ आई थिंक आपकी शादी के समय दे विल भी अब सिक्सटी ठीक है तो लेकिन यह है कि इंसान ये लोग काफ़ी पीपल हैं इसके प्रिंसिपल्स के इसे कहते हैं मैन ऑफ प्रिंसिपल्स वो मतलब जो नियम हैं जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलें तो आप ठीक हैं ठीक है अदरवाइज़ ये यहाँ पर डांट भी पड़ती है इनसे ठीक है सो दैट इज़ हाओ दिस पर्सन द पीपल आर रियली स्ट्रिक्ट एंड लाइक स्ट्रिक्ट नहीं मतलब जो है, रूल्स हैं उन पर चलें तो फिर ठीक है ये लोग ठीक है लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये इस ऑफ कोर्स आप प्यार फैलाने वाले हो आप लव फैलाने वाले हो ठीक है आप लविंग हो आप अपने लिमिट्स को आपको पता है आप लिमिट्स को रोस्ट नहीं करने वाले ठीक है इस वजह से आपको प्यार मिलेगा इन लॉज की तरफ से कुछ भी हो जाए एंड योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन दैम इज़ लाइक फाइव ऑफ एंस बहुत ही उसी बेचारे ये लोग वो ये में इनको कोई इस रिश्ते पर यकीन उठ गया हुआ है सास बहू के और लाइक सुसर बहू के ठीक है तो यहाँ गाइस हीलिंग है ठीक है हीलिंग फ्रॉम फाइवर वैंस मतलब जो हो भी लड़ाई झगड़े पीछे के चलते रहे और लोगों के साथ आपके मौजूदगी में आपकी इंटरेस्ट से लाइव इनकी ज़िंदगी में इनके घर में नाइन ऑफ कप्स एक हीलिंग दिखती मुझे दिख रही है एक उनको ऐसे लगेगा आप सेटल हो ये लड़की जो आई है नहीं बहू ये सेटल कर लेगी ये मैनेज कर लेगी सब कुछ ठीक है एंड द नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट कि ये पर्सन एक न्यू लव ऑफर के साथ मतलब यहाँ पे इन लोगों की तरफ से भी रिश्ता भिजवाया जा सकता है मे बी आपको पहले से आपको इन्होंने कहीं देखा हो या इनके बेटे ने इनको कहा होगा यहाँ रिश्ता भिजवाना है ठीक है लेकिन शुरू में ये अनसर्टन होंगे टू ऑफ तब अनसर्टेन इनको किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है किसी किस्म की सर्टेनिटी नहीं होगी आपको कौन हो क्या करती हो ठीक है ज्ञान बहुत ही दुख आ रहा है इनके ना पता नहीं लॉस की तरफ से क्यों इतना सैड बिहेवियर है सैडनेस है कुछ लोग कैसे मे भी इनकी सेकंड मैरिज हो पहले के साथ डिवोर्स हो गई हो या इस तरह कोई सीन हो ठीक है तो यहाँ सिक्स ऑफ सोर्ड्स आई थिंक ये लोग आ, अगर तो ये ब्रॉड में रहते हो ना आपके पर्सन तो आई थिंक आप इनके साथ बाहर चले जाओगे ठीक है क्योंकि यहाँ पे मूविंग ऑन का, का कार्ड है यहाँ हो सकता है ये लोग आपको वैसे ही सेपरेट कर दें कि इस बार कोई लड़ाई ना हो कोई सीन है ऐसा हाई नंबर है yeah, five of pentacles अगैन हर चीज़ ही फाइव में लाइक लेर रेली लाइक थ्री ऑफ वैंस इन लॉस की एनर्जी में अगैन वही है उनको कोई उम्मीद नहीं है मैं आपको हंड्रेड परसेंट बता दूँ आपसे पहले आपसे मिलने से पहले ठीक है वो और बात है कि मिलने के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनका सब कुछ जो है बदल जाना है लेकिन आ, पहले जो है उनको किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कोई रिलेशनशिप में Um, शादी में इनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आएगी बट थ्री ऑफ वैन ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट के बाद थोड़े से समय के बाद ये पर्सन ये लोग समझ आएंगे आप आप डिफरेंट हो यू नो को यू नो ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल ठीक है फूल या यार फाइनल कार मैंने निकाला था कि फाइनली क्या मैसेज है दैट इज़ द फूल एनर्जी या लाइक ये लोग समझ आएंगे कि नहीं आप डिफ़रेंट हो तो ये पहला इम्प्रेशन तो मैं बता रही हूँ बहुत ही डबल माइंडेड और बहुत ही यू you नो know, ना चाहते हुए इनका करना आपके घर शादी इस तरह लेकिन आ, एंड में उनको समझ आ जाएगा कि नहीं।, नहीं 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 आप ऐसे नहीं हो आप डिफरेंट हो ठीक है तो और कल से हम देख लें इनका आपके ससुराल का क्या है सिस्टम यू आर लिमिट यस आप दिल जीतने में आपकी कोई लिमिट नहीं है ठीक है इनका दिल जीतने में या जो भी है तो या मुझे लगता है सब आपकी अपनी है, है सब आपका अपना क्रिएट करता है हाफ फेथ ठीक है ना विश्वास रखें और चीज़ों को चलाते जाएं आगे और लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर वो शक्तियाँ है, हैं आपके कि अंदर वो मैजिकल एबिलिटीज़ हैं क्या आप किसी को भी अपना जो है ना इसे कहते हैं है ना फैन बना लेना उस किस्म की आपकी चीज़ें हैं आपके अंदर ठीक है तो या इस टाइप की एनर्जी है इस टाइप की जो आपके लॉज की आपके मा बारे में पॉइंट ऑफ तो व्यूज हैं ठीक है गाइस विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय हेलो वेलकम पायल नंबर टू तो गाइस रीडिंग टू पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट पार्ट योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर फीचर्स पाउस एंड द सेकेंड पार्ट इज़ योर इम्प्रेशन ऑन योर in-laws ठीक है मतलब ससुराल में तो पहले हम आपके स्पाउस पे आपका जो इम्प्रेशन पहला पढ़ने वाला है वो देखेंगे और यार लेट्स सी वट्स कम इन ऑफ स्प्रि प्लीज़ गाइड मी फॉर दिस ग्रुप वट्स कम अप विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वेरस एनर्जी एंड फॉर ऑफ सोर्स एनर्जी नंबर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट इम्प्रेशन गाइस एक फैंसी सा आ रहा है मुझे दिख रहा है एक फैंसी सी आउटलुक दिख रही है मुझे यहाँ पे जैसे जैसे आपको बहुत कोई फैंसी लड़की या लड़का समझते हो जिसका बहुत ज्यादा हाई स्टेटस है और आ, अभी आपका है या नहीं आप हो सकते हैं बहुत ही हम्बल हो लेकिन उनके जो माइंड में आ रहा है मैं वो आपको रीड करके बता रही हूँ मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई मेंटेनेंस गर्ल हैं ठीक है थीके? आपकी आप जैसे आप हज़ारों जो है ऐसे उड़ा देते हो गए या, या उनको आपको पटाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है ठीक है बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूटली हाई मेंटेनेंस विच इज़ आई एम सीन हे ठीक है और कुछ लोगों का केस में हो सकता है आप सब सफिशेंट भी हैं फाइनेंशियली पैसे के मामले में तो ये भी चीज़ उनको एक इनसेर करती है कि ये खुद ही अगर इतना कमाती है तो फिर मैं इसको क्या दिखा के अट्रैक्ट करूँ उन पैसे की तो उसको ज़रूरत नहीं है या अगर है भी तो लाइक like, लिटरली ये क्योंकि खुद कमाती है तो ये पैसे के पीछे नहीं किसी से भी शादी करेगी ठीक है तो हाउ डू आई अट्रैक्टर ये एक बहुत बड़ा मसला आप मुझे दिख रहा है बिकॉज आप बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हैं यहाँ पर मतलब शो जो उनको हो रहा है आई डो नो के रियल पोजिशन क्या है अभी क्या आपका माइंड सेट बहुत ऊपर आया है आपका यू नो बिग ड्रीम्स हैं बिग गोल्स हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ इस टेप की एनर्जी है तो सिक्स फोर ऑफ़ सोर्स ये चीज़ उनको ऐसे लगेगा कि मे बी मे बी ये भाई अपने पौध से बाहर है पॉसिबिलिटी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कि <laughs> मुझे भावना मिले ठीक है तो आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है ऑफ कप्स योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस पेज ऑफ पेंटिकल एस ऑफ कप्स हाँ वेल एनर्जी है पाल नंबर वन के आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये चाहेंगे बहुत बहुत स्ट्रांगली चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह आप उनसे प्यार में पड़ जाओ ठीक है क्योंकि सिक्स ऑफ कप से तो डोंट नो में भी आपसे आपकी बचपन की बातें पूछें या आपकी फ़ैमिली को बीच में लेकर के आएँ या आपकी फैमिली पहले वो ये देखेगा इंसान बहुत यू नो माइंड इनका शार्प है पहले पहले हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको मतलब आपकी जो फैमिली है ना उसको थोड़ा सा क्योंकि अक्सर लोगों की कमज़ोरी होती है उनकी फैमिली ठीक है तो आई थिंक आपकी भी है तो हो सकता है आपके फैमिली के बारे में कुछ पर्सन ये बात करे ठीक है तो उसको चीज़ को लेकर के आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें कि आपकी फैम हो सकता है मतलब जैसे आपके सिस्टर्स हैं आपके ब्रदर्स हैं या आपके माता पिता हैं उनको उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाना ठीक है उनको खुश करने की कोशिश करना तो यहाँ उनसे मिलना या यू you नो know, कुछ भी इस तरह की चीज़ तो ये मुझे दिख रही है लेकिन गाइस पेज ऑफ पैंटिकल्स की एनर्जी है ये पर्सन आपके लुक पर यह स्मरता होगा लुक पर और रेस ऑफ कप्स आपकी जो एक बिल्कुल न्यू एनर्जी है ठीक है आपकी एनर्जी बिल्कुल फ़्रेश उनको दिखती है क्योंकि आपके जो माइंड है जो आपका बोलने का स्टाइल है जो आपकी यू you नो know, पूरी एक पूरा और बना हुआ ना आपकी पर्सनैलिटी का दैट इज़ फ्रेश आई डोंट नो मे भी आपने कोई सीरियसली किसी के साथ कभी डील किया ही नहीं मतलब आप सिंगल हैं या फिर अगर किया भी है तो बहुत ही लिमिटेड टर्म्स uh, पर ठीक है आप अभी इतने वोंडेड नहीं हो मेंटली क्योंकि जो लोग मेंटली वॉन्टेड हैं ठीक है थीके? उनको ठीक करना उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक वो ख़ुद यू नो राजी ना हो अपने आप को ठीक करने में तो कोई आप नहीं ठीक कर सकते इन लोगों के साथ जो शादी है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जैसे कोई डिवोर्स ही है या आम, या किसी का बहुत पेनफुल ब्रेकअप हुआ हुआ है किसी के साथ बहुत मेंटली अटैच था ठीक है और ब्रेकअप हो गया और आप उससे शादी करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके माइंड से वो चीज़ें निकालना अनलेसेंटली वो खुद जो है इस पर ख़ुद अपने आप ऊपर वर्क ना करें इसका इफ़ेक्ट इसका इम्पेक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ता है लेकिन बिकॉज ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है आई डोंट नो आपने अपने आपको हील किया या आपका कोई कनेक्शन है ही नहीं था ख़ास सीरियस पीछे ये पर्सन आपको बिल्कुल एज ए ब्रैंड न्यू थिंग समझे जाए समझेगा और दैट्स वाई ये इंसान काफ़ी खुश है ये इंसान काफ़ी इंटरेस्टेड भी हो, हो जाएगा आपके अंदर ठीक है नाइट ऑफ कप्स आई न्यू इट लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट अन्यू लव ऑफर ओके तो ये बंदा आपको प्रपोज करेगा क्या yeah. हाँ uh, yes. ये किंग ऑफ़ पैक्टिकल ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा फॉर मैरिज थिंक ठीक है आपसे शादी के लिए आपसे आपसे शादी करेगा और नाइट ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लाइक लिटरली ये इंसान आई थिंक ये पर्सन आपसे अब मैं ये तो नहीं कहती कि पहली मुलाकात में ही आपको ही प्रपोज कर देगा लेकिन माइंड में इंसान के होता है ठीक है ठीक है ना कि उसने क्या करना है हर इंसान के माइंड में उसको पता होता है कि उसने क्या करना है तो ये मुझे दिख रहा है कि इंसान माइंड में डिसाइड कर लेगा कि मैं इसी को जो है ना शादी मैं इसी से करूँगा ठीक है तो और से देखते हैं क्या एनर्जी है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन दम फोकस ऑन लव लुक फोर द गुड इन एवरी वन आपकी एनर्जी कि आप हर चीज़ को पॉजिटिविटी में देखते हो आप हर चीज़ को पॉजिटिव आउटलुक में देखते हो ठीक है आप कभी नेगेटिव नहीं होते मुझे ऐसे ना बहुत फ्रेश फ्रेश फीलिंग आ रही है आई एम सी एज इफ उनको भी ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मतलब वो इंसान जो पास्ट की बातें नहीं उछालता जो हर दो मिनट बाद पीछे नहीं पहुंच जाता ठीक है ना अभी तुमने फला टाइम जो है वो फलां के साथ तुम्हारी दोस्ती थी फलांह के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप था तो ये तो वो ठीक है ना पानी नहीं देता ठीक है तो दैट इज़ द थिंग मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को आप में अच्छी लगती लगेगी या लगती है ऑथेंटिक आप जेनवन इंसान हो ये अ फेक पर्सन य लायर ठीक है जो है वो है जो है वो सामने है ये आपकी रियलिटी है आप कभी छुपाते नहीं हो आप कभी आप कभी झूठ नहीं बोलते हो आप ऑनेस्ट हो, ये चीज़ें उनको बड़ी अच्छी आप में दिख, दिख, दिखेगी लव मेक्स अ डिफरेंस मोहब्बत आपका जो एक कहते हैं ना सेंटर ऑफ लव आपके चाक्रास का भी जो सेंटर है दैट इज़ ऑल अबाउट लव आई थिंक आपका जो हार्ट चक्रा है और क्राउन चक्रा वो काफ़ी ओपन है और आपको पता है कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है ठीक है आप लव पर बिलीव करते हो और आपको ऐसा आपका मानना है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो दुनिया में एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकता है ठीक है न्यू लव विच इज़ लाइक न्यू स्टार्ट ठीक है आई थिंक इनके ज़िंदगी एक नई तरह से मुझे शुरू होती दिख रही है आपके साथ और स्परिचुअली ग्रो करते दिख रहे हो दोनों हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में हो और ये आप इनको भी ले आओ उसी इसमें ना स्परिचुअल spiritual, स्पिरिचुअलिटी के उसमें फेज में और लाइक पूरी उस वर्ल्ड में तो उनको एक नई दुनिया दिखती है आपके साथ न्यू गैलेक्सी अ न्यू यू you नो know, स्काई अ न्यू हर नई दुनिया उनको दिखती है और ये बहुत अट्रैक्टिव है उनके लिए बिकॉज वो पुरानी अपनी दुनिया में स्टक नहीं रहना चाहता यह पर्सन एक नई दुनिया ये शुरू करना चाहता है तो एल्स यू आर लिमिट लेस आपकी कोई अच्छाई की उनके माइंड में कोई लिमिट नहीं है ठीक है ना आप अच्छे हो और उनको पता है इस चीज़ का इस चीज़ की इनकार कोई भी नहीं कर सकता और अगर कोई आप उनसे पूछे आपके बारे में तो वो यही कहते हैं यार उसकी तो कोई लिमिट ही है छाए की वो तो ऐसी वो तो वैसी ठीक है ना तो तरीफों के पुल यू नो सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर विद दिस एनर्जी पाए नंबर टू आगे चलते हैं और देखते हैं आपके इन लॉज की एनर्जी क्या है इन लॉज एनर्जी हमने चेंज किया है चेक देयर एनर्जी ओके, फोर ऑफ सोअर्ड्स नाइट ऑफ वैंस आपके लॉस की क्या एनर्जी है पेज ऑफ सोअर्स एम्प्रेस आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके इन लॉस पर क्या होगा एंड डाइवन इज आपके जो इन लॉज है ना वो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आपके घर रिश्ता बेचेंगे ठीक है ये बहुत पॉजिटिव तो गाइस आपके जो इन uh, लॉज की एनर्जी है मुझे ऐसे दिख रहा है ये लोग क्यूरियस एनर्जी है ठीक है पॉजिटिव है लेकिन स्टिल क्यूरियस तो होना भी चाहिए ठीक है क्योंकि वो आई थिंक ये लोग आपको पहले से नहीं जानते हो बिल्कुल भी नहीं जानते बट डबल एनर्जी है यहाँ पर ठीक है मुझे नहीं पता ये किस किस्म की टक्शन है आप में मैं भी आप सुंदर हो बहुत ज़्यादा ठीक है ना अगर लड़की हो और अगर लड़का हो तो मैं भी आपकी अर्निंग अच्छी है आपके पास जॉब अच्छी है आपकी बिजनेस अच्छी है ठीक है क्योंकि समथिंग समथिंग एट्रैक्टिव है क्योंकि ये लोग थोड़ा आप में कि, किसी चीज़ के कुछ चीज़ ऐसी है आप में जो या आपकी फैमिली में जो आपको डिस्टिंगविश करती है जो कि उनको बहुत ज़्यादा आपकी और अट्रैक्ट कर रही है उन लोगों को ठीक है तो ये आपके आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी फ्यूचर गोल्स आपके फ्यूचर करियर या लुक्स कुछ भी हो सकती है कुछ मटेरियल चीज़ है ठीक है ना स्परिचुअल स्पिरिचुअल नहीं है ये चीज़ जिसकी और ये लोग अट्रैक्ट हैं बट एम्प्रेस एनर्जी जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि ठीक है ये लोग हैं किसी चीज़ की ओर अट्रैक्टिव हैं अट्रैक्टेड हैं लेकिन इनकी नीयत तो बुरी नहीं है एम्ब्रस ठीक है इनके पास भी बहुत कुछ है आपको देने को दे आर फुल ऑफ लाइक गिविंग ठीक है पे जब सोर्स की एनर्जी में कि इन लोगों का ओबियसली आपसे क्वेश्चन होगा प्रोबिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं मतलब क्रिटिकल कुछ इस टाइप की बातें भी हो सकती हैं आपको जाने आप क्या हो फैमिली है ये है पढ़ते कि, पढ़ा कितना है स्टडी कितनी है ऐसी क्वेश्चनिंग हो सकती है ठीक है बट ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं बहुत ही ज़्यादा उनको शौक होगा अपनी बच्चे की अपने बेटे या बेटी की शादी करने का ठीक है और लोग बड़े शौक से आए हैं तो दैट इज़ द थिंग लेट सी मोर एनर्जी ये तो फर्स्ट स्प्रेड था ओके ये कार्ड आना चाहता है दैट इज हैप्पी फैमिली वो आपकी इन लॉस की सबसे बड़ी बात एक ये होगी कि आप अगर अपने पति या पत्नी के साथ खुश हों आपके बच्चे हैं आप लोगों का अगर अलहदा घर भी है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली उनके माइंड में यही है कि ये लोग खुश रहें ठीक है एट ऑफ प्लीजिकोर्स पायल नंबर टू पॉसिबल है आप ना लहदा शिफ्ट हो जाओ अपने पति को लेके या कोई अब्रॉड चले जाओ फिर तो ओबियसलीदा होना ही पड़ेगा ठीक है तो ये चीज़ उनको अच्छी इतनी नहीं लग रही क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इकट्ठे रहें सारे ठीक है ये लोग शुरू से जॉइंट फैमिली में ही रहे हैं और ये नहीं चाहते कि आप दोनों जाओ उनको छोड़ के इस चीज़ का इनको डर है या हो सकता है इनका ये इनर फियर है कि कहीं आप इनको ले कर लैदा ना हो जाओ मतलब उनके बेटे को कहीं तो अपने बेटे के साथ रहना चाहते हैं ठीक है तो ये ऐसी फियर है या हो सकता है ये पहले ऐसी कोई बात भी कर रखें शर्ट भी रखें कि भी आप ले कर लैदा तो नहीं हो जाएंगे हमारे बेटे को आई डोंट नो देखो चॉइस आपकी है, है प्रेफ्रेंस आपकी है ठीक है आपकी जो भी आपको कहना आप कह सकते हो लेकिन आ, ये ऐसा मानते हैं कि हम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते ठीक है बट लवर्स एनर्जी है गाइज़ आपकी प्राइवेट लाइफ को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे लोग ठीक है ना आप दोनों की प्राइवेट लाइफ को ये कभी भी आपके पेरेंट्स इन लॉ डिस्टर्ब नहीं करेंगे उनको यही होगा कि खुश रहें जिधर भी हैं ठीक है स्टिल अगर आप फिर भी अगर लैदा होना चाहते हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई फोर्सफुल एनर्जी है या फ़ोर्स करें नहीं तो री रो तुमने भड़का दिया मेरे बेटे को ऐसा होती है ना बातें काफ़ी एजुकेटेड लोग लग रहे हैं काफ़ी लेकिन यह है कि ये फैमिली काफ़ी बॉन्डेड है एक दूसरे से ना ये प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से और कभी ये लोग अलग ही नहीं है एक दूसरे के बगैर सो so, काफ़ी एक लाइक स्ट्रॉन्ग लेंडेड ये फैमिली लग रही है मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स टू ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर डबल टू है अगेन यहाँ पे यूनियन है ठीक है आई थिंक पायल नंबर टू आप लोग ना मिल कर रहोगे आप भी यू नो सोलमेट एनर्जी है जैसे टू ऑफ कप्स तो आपका पर्सन जो है वो भी सोलमेट है आपका और लाइक आप बहुत दोनों प्यार करते हो दूसरे से और सेम एनर्जी आपके ससुराल की भी है ठीक है कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप छोटी बहू हो ठीक है तो यहाँ आप छोटे होंगे यहाँ जो जिसके साथ आपकी शादी हो रही है ये छोटा है घर में भाइयों में इस तरह तो यहाँ फिर ये लाडला बहुत है इसको प्यार बहुत मिला है शुरू से अपने पेरेंट्स का सो so, ये मुझे से दिख रहा है कि आपको भी इसे बच्ची की तरह रखेंगे आई थिंक सो ठीक है आई एम गेटिंग दिस एनर्जी बट जस्ट क्लेम दिस एनर्जी बिकॉज आप दोनों छोटे हो यहाँ पर इस घर में कोई बड़ी जिम्मेदारियाँ नहीं दिख रही है। जो आपके सर पे हो, वैसे ही ट्रीट करेंगे कि जैसे आप भी छोटे हो, वो भी छोटे हैं आप दोनों जो हो वो, वो उनके वो उन लिए सेम हो मतलब वो लोग बड़े हैं आप छोटे हो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ओके फाइव ऑफ सोर्स प्लीज़ क्लैरिफाई मी स्पिरिट वाइज देर दिस सोर्ड एनर्जी फोर ऑफ़ पेंटिकल्स कुछ जायदाद की या पैसों के हिसाब से कुछ हो सकती है फाइट्स या हो सकता है इनकी अपने किसी और फैमिली के साथ फ़ाइट हो पैसों के मामले की ठीक है वो उनका पर्सनल मामला है बट नाइन ऑफ कप्स आप सुकून से ही रहोगे इस घर में बिकॉज़ योर एनर्जीज़ ही लाइक हीलिंग और उनको ऐसे दिख रहा है उनको ऐसे लगता है कि आप वो इंसान हो वो पर्सन हो जो कि इनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए हो आप लकी भी हो इस घर के लिए आई थिंक इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी आपके आने के बाद सही है टू ऑफ वैंस किंग ऑफ कप्स जी गाइस आपको आपके पेरेंट पेरेंट पेरेंट्स इन लॉ से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत मिलने वाली है ठीक है और टू ऑफ वैंस मुझे से दिख रहा है कि हो सकता है शुरुआत के थोड़े से दिन मुश्किल हों ठीक है सेटल होने में इस तरह लेकिन आई थिंक ये लोग बहुत ही काइंड हैं बहुत लविंग है बहुत प्यार करने वाले हैं ओके सो दैट इज द थिंग आई एम लुक इन अफ यो इज ऑल अबाउट मूविंग इन हैड मूविंग एन हैड इन लाइफ एंड स्ट्रेंथ एनर्जी आसता आता धीरे धीरे आप अपने घर में स्ट्रांग होते जाओगे ठीक है बट स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस यहाँ पर ओके okay? आपने एकदम से वहाँ जाके ओवरकम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा हाइपर पर या बहुत ज़्यादा जल्दबाज होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया अगर मेरे से अभी ठीक बात नहीं कर रहे तो वो सारी उम्र ऐसे चलेगा नो आपके यहाँ पर स्ट्रांग फुटिंग होगी आपकी ग्राउंडिंग होगी इस घर में स्ट्रेंथ एनर्जी है एट ऑफ और इतनी देर भी नहीं है आई थिंक एक दो बच्चे के इस बाद ही यू नो एवरी थिंग वुड स्टार्ट सेटलिंग डाउन बट आई थिंक इज ये है कि आ, लीनियंट है यहाँ पर आपके इन लॉज जो कि काफ़ी रेयर है लेकिन यहाँ लीनियंसी है बहुत नरम दिल है ये लोग इतनी स्ट्रिक्टनेस इतनी पाबंदियाँ ऐसा कुछ तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे दिस इन लॉज आई थिंक या गैन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन लॉज की एनर्जी क्या रहेगी नाइट ऑफ पेट पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर टू अगर आप जॉब करते हो ना और अगर आपकी जो अच्छी जॉब है तो आई थिंक आप कंटिन्यू करोगे शादी के बाद जॉब अपनी ना और आ, लेकिन आपके लॉज को उससे इतराज़ तो नहीं होगा इन सेंस कि अगर आप बच्चों की तरफ फुल रिस्पॉन्सिबल रहते हो यहाँ पे जो भी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप उनसे निगलेक्ट नहीं करते तो यू कैन कंटिन्यू विद योर जॉब थिंग ठीक है फ्री एनर्जी है लेकिन आपके पति की बहुत मोहब्बत वाली मुझे लिख रही है जैसे कप्स का नाइट भी आया है किंग भी आया है पर्सन बहुत आपसे मोहब्बत करने वाला होगा ठीक है जब उनको मिच्योर बनना है जब उनको इम बनना है इज़ लविंग इन बोथ वेज ठीक है यूनियन ऑफ हार्ट्स ये दिलों का मिलन है और यहाँ वह है जी चूज लव तो कुछ लोगों के में एडवाइस हो सकता है लव मैरिज हो ठीक है आप दोनों एक दूसरे को खुद ढूंढें पेरेंट्स का इतना इन्वॉल्वमेंट ना हो मेरेकल्स एंड ब्लैसिंग्स क्लेम दिस मेरेकल एंड ब्लैसिंग एंड हिट द लाइक बटन फाइल नंबर टू बहुत सारी ब्लैसिंग्स अंड मेरेकल्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तेरह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है थर्टीन और ट्वेंटी वन ठीक है ट्वेंटी थर्टीन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट या सिग्ने ट्वेंटी थर्टीन आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा होगा यहाँ ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके गाय सो देस इट फॉर टुडे आई सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय